हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट क्लास 11th का जो चैप्टर है उसमें नीट में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं तीन क्वेश्चंस सॉल्व करूंगी। इससे पहले हाइड्रोजन वाले चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग उसको जाकर के चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अमंग कैल्शियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड और बेरिलियम हाइड्राइड द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज। कब आया है ये क्वेश्चन? नीट 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, कैल्शियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड। एस ब्लॉक सेकंड एस ब्लॉक में कौन कौन होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। इनका हाइड्राइड ले लिया है BeH2, मैग्नीशियम का हाइड्राइड नहीं लिया है यहाँ पे, कैल्शियम का हाइड्राइड लिया है, स्ट्रॉन्शियम का नहीं लिया और बेरियम का लिया है। इन तीनों के हाइड्राइड के बारे में पूछ रहा है और ये पूछ रहा है कि इन तीनों में से मोर आयनिक कैरेक्टर किसका है, मोर आयनिक कैरेक्टर। तो जब भी आयनिक कैरेक्टर की बात आएगी सबसे पहले आपको ये देखना, दो तीन पॉइंट्स हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख सकते हैं और एक फजान्स रूल में जो आप लोग पोलराइजेशन वाला पढ़ते हैं उसके हिसाब से भी। तो हम लोग पोलराइजेशन को भी यहाँ पे बेस मान के आंसर सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग हायर द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स मोर इज आयनिक कैरेक्टर। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हायर होगा तो आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, बेरिलियम हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोजन और बेरियम हाइड्रोजन दिया हुआ है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे किसकी है? हाइड्रोजन की, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो सबसे ऊपर हाइड्रोजन है, फिर बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद कैल्शियम और सबसे नीचे क्या है, बेरियम। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे, फिर उसके बाद बेरिलियम का होगा, फिर उसके बाद कैल्शियम का होगा और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, बेरियम का। तो मान लेते हैं इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है और इसकी सबसे कम है, मतलब इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मैक्सिमम होगा, और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है वो ज्यादा आयनिक होगा। तो इसका मतलब बेरियम का हाइड्राइड, क्योंकि बेरियम और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका हाइड्राइड मोर आयनिक कैरेक्टर का होगा, मोर आयनिक कैरेक्टर। और इसके बाद सेकेंड नंबर में किसके बीच डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच, तो ये सेकेंड नंबर हो जाएगा और ये थर्ड नंबर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके बीच है, बेरियम और हाइड्रोजन के बीच, उसके बाद कैल्शियम और हाइड्रोजन के बीच, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेरिलियम और हाइड्रोजन के बीच है। तो इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, यानी कि BeH2 सबसे ज्यादा आयनिक, फिर कैल्शियम हाइड्राइड और सबसे कम आयनिक बेरिलियम हाइड्राइड। तो ये मोर आयनिक और ये लेस आयनिक हो जाएगा। तो एक आंसर तो हम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से मिल गया। और दूसरा रीजन क्या, हाँ, तो अगर इसके हिसाब से देखें तो आंसर क्या है, सबसे कम बेरिलियम का, फिर कैल्शियम का, फिर बेरियम का। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सबसे कम बेरिलियम हाइड्राइड, फिर कैल्शियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा रीजन और क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पोलराइजेशन पावर के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं दूसरा। तो फजान्स रूल में आप लोग पढ़ते हो कि पोलराइजेशन पावर जो होता है, पोलराइजेशन पावर वो जितना ज्यादा होता है, अगर पोलराइजेशन पावर अधिक है किसी कैटायन का, पोलराइजेशन पावर कैटायन का पोलराइजेशन पावर, मैं पीपी लिख दे रही हूं, अधिक है तो वो क्या करेगा, पोलराइजेशन पावर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जैसे यहां पे मान लेते हैं ए कोई केटायन है और बी कोई ऋण आयन है, ठीक है, तो केटायन और ये एनायन, तो ये बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अब बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा इसका मतलब ए पर पॉजिटिव चार्ज था और बी पर नेगेटिव चार्ज था, इसका इलेक्ट्रॉन इधर की ओर था, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गया, यहां शिफ्ट हो गया,
तो ये जो इस पे नेगेटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, और नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो ये आयनिक करेक्टर का ना होकर के कैसा हो जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर का होने लगेगा। तो पोलराइजेशन पावर अगर अधिक है किसी केटायन का तो वो कोवेलेंट करेक्टर में जाता है। क्या बोल सकते हो आप लोग कि पोलराइजेशन पावर जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगा। ग्रेटर द पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन ग्रेटर इज द कोवेलेंट नेचर ऑफ कंपाउंड। तो यहां पे सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर किसका होता है, स्मॉलर साइज के केटायन का। क्या होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन हायर विल बी इट्स पोलराइजेशन पावर। और पोलराइजेशन पावर अगर अधिक है, पोलराइजेशन पावर अधिक है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी अधिक होता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर अधिक है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कम, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो यहां पे सबसे स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन हायर विल बी इट्स पोलराइजेशन पावर। तो बेरिलियम, कैल्सियम और बेरियम में बेरिलियम सबसे छोटा, कैल्सियम थोड़ा बड़ा और बेरियम सबसे बड़ा। तो बेरिलियम जो केटायन है उसका साइज सबसे छोटा है तो इसका पोलराइजेशन पावर भी ज्यादा होगा, और इसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा है मतलब ये कोवेलेंट नेचर का ज्यादा होगा, और इसका पोलराइजेशन पावर कम है क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो ये कैसा नेचर का होगा, आयनिक। तो यहां से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है कि बेरिलियम चूंकि वो बड़े साइज का है इसका पोलराइजेशन पावर कम है मतलब इसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, और बेरिलियम चूंकि छोटे साइज का केटायन है तो इसका पोलराइजेशन पावर अधिक है, और पोलराइजेशन पावर अधिक है तो कोवेलेंट नेचर भी अधिक होगा। तो बेरिलियम वाला ज्यादा आयनिक और बेरियम वाला ज्यादा आयनिक और बेरिलियम वाला कम आयनिक। तो फिर से वही आंसर आया, बेरिलियम वाला ज्यादा आयनिक और बेरियम वाला कम आयनिक, सेम आंसर आ रहा है यहां पे भी। तो ये दो चीजें फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन की ओर इशारा कर रही है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देखो या पोलराइजेशन से देखो, आंसर क्या होगा, अमंग कैल्सियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज लेस, आयनिक कौन है, बेरिलियम हाइड्राइड, और मोर आयनिक कौन है, बेरियम हाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एन एलिमेंट एक्स टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्स इज 1s2 2s2 2p3 द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड इज। नीट 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम एक एलिमेंट एक्स से रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम का रिएक्शन बोल रहा है किससे, कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है, और क्या बना रहा है, आयनिक कंपाउंड बना रहा है। इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्स, अब एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया हुआ है यहाँ पे n1s2 2s2 2p3 द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड। तो जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे दिया, पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2p में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो x का मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूं तो पहले वाले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दूसरे वाले सेल में 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए ऑक्टेट रूल से अगर हम लोग देखें तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स नीड, 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है। अब मैग्नीशियम के बारे में तो हम लोग को पता है, एक्स तो पता नहीं है लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। तो इसके इनर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, या मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक। तो मैं यहां पे मैग्नीशियम ड्रॉ कर दे रही हूं, इनर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेकेंड ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये वाला सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अंदर में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसको चाहिए कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पे इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्स को, तो
तो अगर x का मैं दो दो एलिमेंट ले लूं, एक और x ले लेती हूं, तो 1s2, 2s2, 2p3, ठीक, यहां पे हो जाएगा 2p में तीन इलेक्ट्रॉन, या इस डायग्राम में भी देख सकते हो, इसका दो बना देती हूं मैं, एक ये x है, एक और x इधर बना देते हैं, तो 3, 4, 5, ठीक। अब इसको भी तीन चाहिए, थ्री इलेक्ट्रॉन, x के दो एलिमेंट मैंने ले लिए, तो दोनों को तीन तीन चाहिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत हो गया, अब 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो गई। और मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दो, तो हम लोग मैग्नीशियम कितना ले लेंगे, तीन मैग्नीशियम ले लेंगे, तीन मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन देगा, तीसरा मैग्नीशियम भी दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2x और 3 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के 3 और x के 2 अगर लेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। देखो यहां पे मैं मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक। एक और मैग्नीशियम ले लो, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक और मैग्नीशियम, एक यहां और एक यहां, हो गया 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसका अष्टक पूरा हो गया, और मैग्नीशियम ने अपने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या हो गया, अष्टक, ऑक्टेट वाला हो गया। तो कितने कंपाउंड, कितने एलिमेंट लगे, मैग्नीशियम के 3 और एक्स के 2, तो फॉर्मूला क्या आया, मैग्नीशियम Mg3X2, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 विथ CaC2 इज, नाइट्रोजन का रिएक्शन कराना है कैल्शियम कार्बाइड के साथ, नाइट्रोजन प्लस कैल्शियम कार्बाइड क्या बनेगा, तो नाइट्रोजन का जब भी कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्शन होगा तो कैल्शियम क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बेमाइड, CaCN, कैल्शियम साइनामाइड सॉरी, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, कार्बन, CaCN2 सॉरी, कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन बाहर निकलेगा, इसको कैल्शियम साइनामाइड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, नाइट्रोलाइम भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका यूज फर्टिलाइजर के रूप में होता है। अब ये क्वेश्चन पूछने का रीजन यही है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड से हम लोग बाद में एसिटिलीन बनता है, एसिटिलीन बनाने में इसका उपयोग होता है, फिर इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है, बुझा हुआ चूना बनाने में इसका उपयोग होता है, और यही कैल्शियम साइनामाइड एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है, फर्टिलाइजर यूज होता है, तो क्या होता है इसका, जैसे ही इसको पानी में घोलते हैं ये अमोनिया रिलीज करता है, और अमोनिया फिर क्या करता है, सॉइल का न्यूट्रिएंट बढ़ाता है, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाता है सॉइल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोलाइम के नाम से फर्टिलाइजर के रूप में मिलता है, इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना, ये क्वेश्चन को पूछा, इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि नाइट्रोजन जब कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, तो कैल्शियम कार्बेमाइड बन रहा है, एमाइड ग्रुप लग गया इसलिए कार्बेमाइड इसका नाम है, और ये कैल्शियम कार्बामाइड इन सब चीजों के लिए उपयोग आता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन हमारा सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को, क्वेश्चन समझ आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, और भी ऐसे वीडियोज देखने के लिए।